नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह खट्टू। इस वक्त हम हैं शक्तिपीठ श्री छोटी पटन देवी में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी इस वक्त बहुत ही कठिन स्थिति से, कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अपने एक सैंडल पर उन्होंने कैंसर होने की जानकारी दी और ये पूरे देश भर में लोग, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, काफ़ी मायूस है, काफ़ी उदास है। ऐसे देखा जाता है तो सुशील कुमार मोदी जी एक वैसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जन जन के, हमेशा, और कह सकते हैं कि अगर समाज के प्रति या किसी भी तरह का अगर संस्था अगर हो, उनमें हमेशा सहयोग करते हैं किसी भी रूप में। अभी हाल फिलहाल अब देखिएगा तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो ब्लड की आवश्यकता होती है, उन्होंने अपने सांसद निधि कोष से 1.5 करोड़ रुपया दिए हैं। और एक आप कहीं भी अगर देखिएगा तो लगातार उन्होंने जन कल्याण किए हैं, हमेशा, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर गैर, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर पर्सनल भी अगर उनसे मिलिएगा तो बिल्कुल सादगी रूप से सभी लोग से मिलते हैं। आज उनकी लंबी स्वस्थ होने की कामना के लिए दादी जी देहदान समिति द्वारा यहाँ पर हवन कराया जा रहा है ताकि उनके प्रिय नेता स्वस्थ होकर फिर से राजनीतिक जीवन में सफलता और अपनी जो पहचान कायम है वो बरकरार है। वो क्या कर उनकी बात को सुनते हैं। सुशील मोदी जी के साथ में काम करने का भी आपको मौका मिला है सर, अभी वो काफ़ी बहुत परेशान है अपनी बीमारी को लेकर, क्या कहेंगे? सुशील कुमार मोदी जी हमारे बेस्ट समाज के एक स्तंभ है और बिहार सरकार में भी वो अपना एक हस्ती रखते थे। उनका वो समाज सेवी थे और बहुत सी अपने फंड से उन्होंने बहुत जगह सहयोग किया, जैसे पाटलिपुत्र परिषद के बिल्डिंग का निर्माण कराया, पटना सिटी में पहले बार ब्लड बैंक के स्थापना में उन्होंने सहयोग कर रहे हैं, ये सब उनके द्वारा किया गया। और भी काम वो समाज से भी, उनके साथ काफ़ी दिनों से हमारा संपर्क रहा है और उनसे, उनके साथ रहकर कुछ काम करने का, कुछ इनके का मौका भी मिला हमको। आज जब हमको ये माल पता चला पेपर के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा कि उनको वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो बहुत दुख हुआ और मैंने भगवान ईश्वर से ये प्रार्थना किया कि हे भगवान, उनको स्वस्थ, जल्द से जल्द स्वस्थ कर दीजिए और वो फिर समाज के लिए और बिहार सरकार के अपना राजनीतिक जीवन फिर से शुरू कर सके। पूरे बिहार में उन्होंने जो एक आंदोलन चलाया है, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान और शरीरदान को लेकर निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी सामाजिक हवन का कार्य कर रही है और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने बिहार को जो दिया है जो अतुलनीय, अस्मरणीय है। जी, हम कामना करते हैं कि सुशील कुमार मोदी जो है स्वस्थ हों और पुनः मतलब राजनीतिक में और समाज सेवा में पुनः मतलब सक्रिय हों। आज हवन आप करवाएं बाबा जी। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री
श्री सुशील कुमार मोदी जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार में पटना सिटी के जितने भी सामाजिक संगठन हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा माता जी की विशेष प्रार्थना और हवन का कार्यक्रम हुआ। और हम लोग माता से प्रार्थना करते हैं हमारे मोदी जी जल्दी स्वस्थ हों और हम लोग के बीच हों। जय माता की।